आलू की एकदम नई स्नैक्स रेसिपी। मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को सबसे पहले छील लेंगे। आलू छिल गए हैं, अब इनको गोल गोल पतला पतला एकदम स्लाइस कर लेंगे इस तरीके से। आलू को इस तरीके से स्लाइस कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है ना बहुत ज़्यादा पतला। आलू को अच्छे से धुल लिया है, अब इनको एक बड़े बाउल में डालेंगे। आलू में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच सीजनिंग, 1 चम्मच ऑयल। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे स्लाइस पे अच्छे से कोटिंग चढ़ाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कद्दूकस किया हुआ चीज़, 2 चम्मच चीज़ लिया है, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, इसको भी ऐड कर देंगे। चीज़ और काली मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 4 कॉर्नफ्लोर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आलू को पकाने के लिए एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से फैला देंगे। अब इसमें आलू के स्लाइस लगा लेंगे। इस तरीके से सारे आलू को इस तरीके से लगा लिया है। आलू को ढक के 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। आलू एक तरफ सिक गया है, अब इसको पलट देंगे। दूसरी साइड में भी सिकने देंगे। आलू को एक साइड सिकने में 5 से 6 मिनट लगे हैं। दोबारा से ढक देंगे। देखिए दूसरी साइड में भी आलू अच्छे से सिक गया है। इसको फ्राई पैन से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी आलू की स्नैक्स रेसिपी बनके तैयार है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।